तो गाइस ये है हमारा दिवाली के बाद का ब्लॉग, ठीक है। मौसी मौसी और मम्मी ट्रायो फर्स्ट टाइम ऑन माय ब्लॉग, मेरे तीन फेवरेट पीपल। तो गाइस ये है ओएसिस होटल, ठीक है। और मेरा जो ब्रदर है उसकी एंगेजमेंट एक्चुअली यहाँ पर हुई थी, और मैंने भी ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, क्योंकि ड्यू टू कोविड रीजंस और सम अदर फैमिली रीजंस मैं उस शादी को अटेंड नहीं कर पाई थी, मैं मुंबई में थी, ठीक है। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सब मतलब वेन्यू वगैरह देखा, तो आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वेन्यू। और ये मेरी भाभियाँ हैं दोनों, और ये लोग भी बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके आए हुए थे, साड़ी वाड़ी पहन के। और मेरे को लग रहा था मैं ही सबसे ज़्यादा अंडर उसमें लेकर आई, बस चोटी बांध के आ गई थी, बाल खुले मुले करने चाहिए थे मुझे भी, बट इट्स ओके। तो इट्स लाइक दिस। सो हम लोग धीरे धीरे एंट्री मार रहे थे अपने, मतलब मैं थोड़ा सा आपको एम्बियंस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, यू नो हाउ इट लुक्स। और कज़न्स के साथ में तो ना मतलब हर जो दिन होता है वो थोड़ा मेमोरेबल बन ही जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद सब लोग मिलते हैं। और एक्चुअली मेरा जो ब्रदर है ना वो आता है ना, तो तभी ये लोग आते हैं एक्चुअली, वैसे आते भी नहीं है तो उसका आने के टाइम पे ही ऐसा ओकेशन सा बनता है, चाहे वो होली पे आए पे, क्योंकि वो बहुत कम आता है। सो ये हमारा वो लाउंज है एक्चुअली, जहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि हम खाना वगैरह खाएंगे, मतलब मुझे ऐसा लगा था यही वाले में हम खाएंगे, बट फिर हम थोड़े दूसरे में एंटर करके जो थोड़ा सा प्राइवेट सा था। तो गाइस धीरे धीरे मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करती इस होटल को, आप मेरी ड्रेस देख सकते हो हाउ इट इज़ लुकिंग। सो फिर ये एक सोफे वाला जो एरिया था वो मिला हमें, यहाँ पे बैठ गए। और वैसे तो हम इस पीछे वाली सीट पे बैठने जा रहे थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, बट फिर वो सफाई नहीं हुई हुई थी वहाँ पे, तो हम लोग इधर ही बैठ गए। तो ये है गाइस, इस तरीके से हम लोगों ने मतलब धीरे धीरे जो है थोड़ा सा एक माहौल बनाते हैं ना, जैसे बैठ के चलो अब माहौल बनता है, बात करना शुरू करते हैं, तो वो सब मस्ती के मारे करते हैं। कौन से महाराज बता रहे थे, रुद्राचार्य क्या बता रहे थे, रुद्राचार्य एक अपने स्पीच में बोल रहे थे कि उनको जब वो हो गया था भोले शंकर के, उसमें सिर किसका लगाया था, किसका लगाया था, हाथी का बोल रहे हैं, किसका सिर लगाया था, हाथी का तो लगाया था, गणेश जी को किसका सिर लगाया था, हाथी का सिर लगाया था, वो घोड़े का बोल रहे हैं, नहीं घोड़े का थोड़ी हाथी का, घोड़े का बोल रहे हैं, बोल रहे हैं गलत सुन ले, वो यूँ कह रहे थे कि भाई जब मतलब हाथी का लगाया तो वो यूँ कह रहे थे कि शंकर भगवान सबसे पहले सर्जन थे जिन्होंने इंसान के ऊपर हाथी का सर लगाया, वो हमारे सबसे पहले सर्जन थे, उस समय कोई भी नहीं लगा सर्जरी करने वाले शंकर भगवान, आज भी कोई भी व्यक्ति इंसान के ऊपर हाथी का सर नहीं लगा सकता। तो गाइस मौसियों की तो बातें चली जा रही थी, मौसी और मम्मी का अलग ही टॉपिक चलता रहता है, तो दे वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे तो मतलब मुझे वैसे इंटरेस्ट है उन सब बातों में, ऐसा नहीं है कि मैं इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, पर एक्चुअली मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो ये तो यार खाना था, मशरूम था, क्या था, सोयाबीन का टिक्का था, और एक कॉर्न की वो थी, उसको तल के लेकर आई थी। तो ऐसे धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आ रही थी। और यार मैं ना आजकल क्योंकि बिल्कुल वेट लॉस पे हूँ, तो ऑनेस्टली मेरा तो आने का भी मन नहीं था, लेकिन फिर मैं इसलिए आ गई क्योंकि सारे कज़न्स भी ला रहे थे, तो मुझे लगा ठीक है चल चलती ही है। तो इट्स लाइक दिस। तो खाना जो है वो मशरूम वगैरह, तो वैसे तो हेल्दी था, कुछ ऐसा ना खाना नहीं था, बट ये इतना तल देते हैं ना, सब कुछ कर देते हैं कि वो अनहेल्दी हो ही जाता है यार, बट ठीक है कभी कभी चलता है। तो ये मेरी जो सिस्टर थी नैन्सी, उसने कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था हमारा, तो वो चेंज कर ली अपनी सीट, और यहाँ पे अभिषेक आके बैठ गया, और बहुत अच्छा हुआ। आई थिंक वो उसके बैठने के बाद से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोग कभी क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड नहीं कर पाए थे, तो मैंने और उसकी वाइफ ने मतलब संजना ने हमने किया। और ये फिर से फ़ोटो सेशन शुरू हो गया, क्योंकि खाना वाना खा के हम लोग नीचे गए, और मम्मी और वो तो सब लोग बाहर चले गए थे, और ये लोग जो है थोड़ा सा अपना अलग से ही फ़ोटो, मतलब तो वो होता है ना गैंगस्टर्स का एक अलग से कि हम अलग से वो फ़ोटो सेशन वगैरह करेंगे, तो वो लोग कर रहे थे।
एंड आई एम ऑल्सो इन्जॉइंग दिस थिंग बिकॉज मैं तो इन सब लोगों से काफ़ी बड़ी ही हूँ, ये तो मेरे से बहुत ज़्यादा छोटे हैं सब लोग. ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि सब लोग इसमें जितने भी लोग हैं ना 10 साल से तो मिनिमम स्टार्ट होते हैं. मतलब मेरी भाभी मेरे से 7 साल शायद छोटी हैं, वो 7 या 6 साल छोटी हैं, देन इट स्टार्ट तो कोई 10 साल छोटा है. तो ये एक्चुअली मैं लग तो वैसे रहे बट ये मेरे से काफ़ी ईयर्स जो है यंगर जनरेशन है एक तरह से, तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाती हूँ यंगर से. तो गाइस ये था हमारा ब्लॉग, आई होप आप लोग अच्छा लगा. अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं नए ब्लॉग में. बाय बाय.